भाजपा के पूर्व विधायक प्रणत पाल सिंह के खिलाफ समाज सेविका अनीता आचार्य ने लगाया जान से मारने का आरोप। इन्हीं के घर के बगल में पूर्व विधायक का निवास है। अनीता आचार्य अमोद आचार्य मीडिया से रूबरू। मथुरा से कैमरामैन राखी राठौर के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। हम शुरू से ही भाजपा के समर्थक और वोटर रहे हैं और भाजपा के जो सुशासन है वो हमेशा से हमें अच्छा लगता आया है, लेकिन आज हमें डर लगने लगा है कि इसी प्रकार का शासन रहा और बीजेपी के नेताओं द्वारा हमें प्रताड़ित किया गया तो लगता है कि हम कहाँ जाएं और किसके पास जाएं। तो मेरी तो यही गुहार है कि कम से कम हमारी जान से, जान की जो डर लग रहा है हमें और मेरे परिवार को, उसको बचाने की कृपा करें। मैं योगी जी से कहना चाहती हूँ कि आपके सुशासन में जो गलत काम हो रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं, आपका नाम लेकर के आपकी छवि को बिगाड़ रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि ऐसे नेताओं को रोका जाए। आप हमारे साथ बात करने के लिए थी अनीता आचार्य, समाज सेविका मथुरा जी, बताएं क्या घटना घटी है आपके साथ। 2 अगस्त को हमारे घर के बगल में पूर्व विधायक प्रणत पाल जी रहते हैं और उनके द्वारा हमारे पर आरोप लगाया गया कि हमने उनकी जो घर की सीमा है उसमें खिड़की और दरवाजे खोले हैं और अपने घर में पिलर नहीं बनाए हैं, जबकि हमारे घर में पिलर भी बने हुए हैं और खिड़की दरवाजे हमारे घर के अंदर खुले हुए हैं। और उन्होंने इस बात की शिकायत कैंटोनमेंट से करी कि हम जो मकान बनवा रहे हैं वो हम अवैध निर्माण करा रहे हैं। इसके आधार पर कैंटोनमेंट ने हमें एक नोटिस दिया और उस नोटिस के आधार पर जेई आए और उन्होंने पूरी जांच की। जांच के बाद जब उन्हें उनने कहा नहीं इनका निर्माण बिल्कुल सही हो रहा है, उस पर गुस्सा होकर के उनके प्रणत पाल जी के बेटे विवेक चौधरी और उनकी पत्नी मुझ पर और मेरे पति पर जान से मारने की धमकी देने लगे और लड़ने लगे काफी। जब हमने उनसे कहा कि भाई मतलब विवेक चौधरी और उनकी जो माँ थी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे पति के लिए बोलने लगी कि हम इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम यहाँ रहने नहीं देंगे, अगर मैं असली जाट हूँ तो आप इस मकान को छोड़ के जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई ये असल में क्या है कि ये भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं तो भाई इनको इनकी ज्यादा चलती है और हम अगर अपनी शिकायत को लेकर के जाते हैं। पूर्व विधायक की कैसे पूर्व विधायक की चल रही है इस टाइम? बिल्कुल चल रही है, तभी तो हम जा करके हम पुलिस में अपनी रिपोर्ट देते हैं, मैं और मेरे पति जाकर के कोई भी रिपोर्ट लिखाते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता। मथुरा के अंदर किस तरह से आप सब देख रहे हैं एक भाजपा के पूर्व विधायक प्रताप सिंह के द्वारा एक महिला पर किस तरह से परेशान किया जा रहा है आप सब देख रहे हैं। हाँ जी बताएं। और उनका ये इरादा है कि हम यहाँ से मकान बेचकर चले जाएं और उन्होंने कहा भी है, धमकी भी दी है कि अगर हम आपको यहाँ से रहने नहीं देंगे आपको बेचकर जाना होगा मकान, लेकिन ये मेरा मकान 1994 से बना हुआ है और जबकि ये विधायक जी 5 या 6 साल पूर्व वो यहाँ आए हैं, ये मेरे ससुर द्वारा खरीदा गया मकान है और जमीन के पूरे कागजात हैं, तो हम क्यों बेचने लगे, हम क्यों यहाँ से जाने लगे? क्या ये बीजेपी सरकार में योगी जी के सुशासन में बीजेपी के नेताओं द्वारा इस प्रकार को हमें प्रताड़ित किया जाएगा? ऐसा लगता है कि योगी जी आपके दरबार में कोई हमें न्याय नहीं मिलेगा। जिस तरह से योगी जी कहते हैं कि हमारे जो भाजपा के नेता है अगर वो कोई भी गलती करे तो उनकी डायरेक्ट शिकायत मेरे पोर्टल पर डालें, मथुरा के एसएसपी मथुरा के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे करें, अगर शिकायत दर्ज ना होने पर तुरंत उन पर कार्रवाई होगी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमने योगी जी के पोर्टल पर भी डाली है और जो शिकायत थी हमारे एसएसपी के पास भी गई थी शिकायत, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने सिर्फ कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। और क्योंकि प्रणत पाल जी जो कि इस समय मतलब बीजेपी में हैं, उनकी सुनवाई होने के कारण उनकी ही बात आगे चल रही है, हमारी बात को तो दबा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि योगी जी का सुशासन में हम जनता का कोई है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि या तो हम अपना मकान बेच कर जाएं या हो
कि हमें जान से मारने की धमकी जो दी गई है, कहीं हमारे घर में से कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। अगर अप्रिय घटना होती है तो इसके जिम्मेदार भू माफिया प्रणतपाल जी और उनका बेटा विवेक चौधरी ही होंगे। जिस तरह से आप सब देख रहे हैं, अनीता आचार्य ने किस तरह से रिपोर्ट पर बताया है कि प्रणतपाल सिंह भाजपा नेता के खिलाफ अक्षोक अक्रोश पैदा हुआ। आप सब वो तो मेरे लिए बैठी रहती हैं, इनकी मेरी पत्नी के लिए बैठी रहती हैं कि कब वो आए, कब मैं पेशाब पेशाब करने जाऊं लघु शंका के लिए, क्योंकि वो सहारा दे के ही चलाना चल सकती हैं ऐसी उबड़ खाबड़ रास्ते पे। आप चाहे तो उसकी 85 वर्ष देख सकते हैं, 85 वर्ष उनकी उम्र है। हमारे साथ अस्थमा की पेशेंट है। हमारे साथ बात करने के लिए थे अमोद आचार्य जो की पति है अनीता आचार्य जी, जो की एक समाज सेवी है। हाजी बताएं क्या घटना घटी है आपके साथ रेलवे कॉलोनी में। 5 तारीख को मैं अपने घर में उबड़ खाबड़ रास्ते को सुधारने के लिए रैम बनवा रहा, और जहाँ गाड़ी खड़ी हो जाए, बाहर खड़ी रहती खराब ना हो जाए, उसके लिए जगह पक्की करा रहा था। तो 10:25 पे जूनियर इंजीनियर मुनीश कुमार छावनी परिषद के अपने संग एम के गुप्ता सफाई सुपरवाइजर के संग 5 लोग आए और मुझे मेरा काम करने से रोका। मैंने ये बोला कि आप मौखिक आदेश मत दें मुझको कुछ लिखित में दें काले पीले में। तो बोले वो भी आ जाएगा। हमने कि ये गाड़ी नहीं खड़ी हो पाती इसलिए बनवा रहे हैं, इसमें आपको क्या परेशानी है। मम्मी हमारी 2 बार गिर चुकी हैं, बेटे का पैर मोच गया उसमें। आपके साथ जो पूर्व विधायक के द्वारा कही गई है वो क्या नाम है उस पूर्व विधायक का? पूर्व विधायक है श्री प्रणतपाल सिंह। उन्होंने क्या कहा है आपसे? बदतमीजी से पेश आए आपसे? हाँ, बिल्कुल। और मैं खड़ा था पत्नी से, उनकी पत्नी बात कर रही थी प्रणतपाल जी की, वो बोल रही थी, और उनका बेटा मेरे लिए बोलता है मेरी पत्नी से कि पीछे जो आपके ड्राइवर खड़ा है ना, इसके मैं बोटी बोटी करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा, पता भी नहीं पड़ेगा कहाँ गया। मैं तो बहुत ही भयभीत हो गया। मैंने कि शायद मेरा अंत इसी प्रकार लिखा हो। क्या आप को जान से मारने की धमकी भी दी है? हाँ, तो ये जान से मारने की धमकी नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से लेकर आप अपनी? प्रशासन से मुझे कोई लाभ नहीं मिला, मैंने खूब शिकायत करी है, लेकिन बस थाने में जाके बोलते हैं कि कप्तान साहब आदेश करेंगे तब हम कोई कार्रवाई करेंगे, और कप्तान साहब ने भी आदेश कर दिया तो छावनी परिषद और प्रणतपाल जी के खिलाफ के फेवर में ही उन्होंने रिपोर्ट लगा दी। आपकी जो माता जी के साथ घटना घटी थी वो क्या कहेंगे? माता जी बहुत ही अनऑथराइज तरीके से अभी तक घेरे पड़े। आपका रामवीर सिंह यादव। हाँ जी बताएं कंटोनमेंट बोर्ड के बारे में। कंटोनमेंट जहाँ आप बैठे हैं, जिसे ये रेलवे कॉलोनी कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड वाले, इस कॉलोनी का नाम रेलवे कॉलोनी नहीं है, बल्कि इस कॉलोनी का नाम सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मथुरा है। और वो गलत तरीके से नोटिस देते हैं यहाँ के लोगों के लिए कि तुम रेलवे कॉलोनी है और मकान को बंद करो। उनका मतलब डरा धमका करके पैसा लेना होता है, कोई डेवलपमेंट नहीं करना होता है। कभी कहते हैं नक्शा पास कराओ, कभी नहीं। अगर नक्शा पास करा के ही काम होना होता तो यहाँ अनियमितताएं हैं। कोई ऐसा मकान नहीं है जिन्होंने नक्शा बनवाया है। लगभग 95% ऐसे मकान होंगे यहाँ इन कॉलोनियों में, भले ही नक्शा बना हो लेकिन नक्शे के अनुरूप नहीं बना, ये पैसे लेकर के ऐसे काम कराते हैं। जिससे कि जैसे कि कंटोनमेंट बोर्ड में जो जिस तरह से एक शिकायत आई थी अनीता आचार्य की, हाँ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो कंटोनमेंट बोर्ड मथुरा ने, यहाँ के सीईओ ने अपनी सीमा से बाहर जाकर दूसरी कॉलोनी में यानी अनीता आचार्य के मकान को बंद करने का नोटिस दिया है, उनकी सीमा में ही नहीं है। ये एक बात संख्या 25/2015-16 ADM लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ इन्होंने केस किया था, जिसे 19 जुलाई 2017 को ये हार चुके हैं सीमा विवाद। फिर भी ये अनऑथराइज तरीके से अभी तक घेरे पड़े।